यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल कांग्रेस में चल रही खींचतान पर हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने चुटकी ली है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की कलह जग जाहिर हुई है। ठाकुर ने कहा कि एक सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह और दूसरा प्रदेशाध्यक्ष रह चुके सुक्खू को निम्न स्तर की बयानबाजी आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगी। दूसरी तरफ नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर फजूल खर्च करने का भी आरोप लगाया है। ऐसा जो फजूल खर्ची करते हैं उनको ये शब्द बोलने ठीक नहीं लगते, ठीक है। जितनी फजूल खर्ची, जितना अंधाधुंध खर्चा, जितना नॉन प्लानिंग भी ऊपर खर्चा कांग्रेस सरकार ने किया है, और ये कांग्रेस सरकार की ही देन है कि आज हमारे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का जो कर्ज है, हमारी सरकार बिल्कुल एक भी पैसा फजूल खर्च को बल्कि कट किया उन्होंने। ना हमारी मंत्रियों की इतनी बड़ी फौज है, ना हमारे चेयरमैनों की इतनी बड़ी फौज है, इवन ना पार्लियामेंट्री हमारी सरकार में बने हैं, और जहाँ भी बनाए बड़ी सोच समझ कर बहुत कम सरकारी अहदों पे जो है नजायज भर्ती की गई है। हाँ, जहाँ जरूरी है वहाँ करना भी जरूरी है। जहाँ तक फिजूल खर्ची की बात है, पब्लिक साफ जानती है कि फिजूल खर्ची कौन करता है।